तीन नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, जनाब सरदार याकूब खान साहब, साबिक वजीर आजम, साबिक सदर आजाद कश्मीर, फैसल मुमताज राठौर साहब सेक्रेटरी जनरल पीस पार्टी आजाद कश्मीर, अब्दुल हुसैन आबद साहब, सरदार जमील अख्तर साहब और सरदार अनायत उल्लाह साहब। मैं आज सरदार जमील अख्तर साहब को और इनके साथ डॉक्टर यासर साहब, सरदार जुबैर साहब, सरदार आसिम मसूद एडवोकेट, सरदार वकार, सरदार नजीब अख्तर, सरदार हफीज और सरदार क्यूम अब्दुल्ला आसफ साहब सबको आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शहीदों के इस काफिले में शमूलियत पर दिल की गहराई से खुश आमदीद कहता हूँ और इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि जो उम्मीदें, जो उमंगे, जो तौकात, जो एक्सपेक्टेशन लेकर आज शहीदों के इस काफिले में शामिल हुए हैं, इन्हें कभी मायूस नहीं किया जाएगा। यकीनन इन्होंने अपनी सियासत का आगाज जो है वो तालिब इल्मी के तौर से बीएसएफ से किया, फिर पीवाईओ में रहे, फिर पीपल्स पार्टी में बड़ा मुतहरक किरदार रहा इनका। किसी वजह से ये नाराज होकर चले गए थे पीटीआई में, आज ये शामिल हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इनका बड़ा फैसला जो है ये बहुत खुशाइंद है और इनके साथियों के पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी और मजबूत होगी। पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव पोलिटिकल फोर्स है और पीपल्स पार्टी की जो तारीख आपके सामने है, पीपल्स पार्टी की जो क्रिएशन है वो मसला कश्मीर पे हुई थी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने मसला कश्मीर की आजादी के लिए 1007 तक जंग लड़ने के अजम का ऐलान किया था और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मसला कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतवार हुकूमत में इंटरनेशनलाइज हुआ, पोलिटिसाइज हुआ, किसी और दौरे को बदल नहीं हुआ, चाहे वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का दौरे हुकूमत हो, चाहे वो शहीद मोहतरम बेनजी भुट्टो साहब का दौरे हुकूमत हो, चाहे वो सदर आसफ सरदार साहब के दौर की मत हो, और अभी पिछले 14 माह जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदार साहब वजीर ख्वाजा रहे और एक मतलब जो है उन्होंने पाकिस्तान की ख्वाजा पॉलिसी को जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान की ख्वाजा पॉलिसी का मरकज और महबर बनाया और पीपल्स पार्टी के सारे दौर हुकूमत तक जितने हमारे मुल्क के अंदर बड़े काम हुए हैं आप भुट्टो साहब से लेके तो आसिफ जरदारी साहब तक देखें कि जहां भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को, मैं समझता हूँ कि सबसे जो बड़ा जो काम उन्होंने किया वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाना था। खुदा ना खास्ता अगर आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ना होता तो हिंदुस्तान में एक डायरेक्टली मुखरू और गनौने अजमान रखने वाला शख्स वजीर आजम बन गया है और वो कब का पाकिस्तान पे चढ़ होता है, लेकिन जब देखा है तो उसके दांत फटे हो जाते हैं इसलिए कि पाकिस्तान एक जो है वो न्यूक्लियर पावर है। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर 73 का आयन जो है मुतफिका है वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने दिया, कमरा हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स जो है उसका क्या अमल मिलाया, जहाज पाकिस्तान जहाज बनाकर जो है वो फरोख्त कर रहा है दूसरे मुल्कों को, इसी तरह टैक्स का हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स, फिर सदर बेनजीर भुट्टो ने कश्मीरी को जो है वो ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया हुआ है सीन में, फिर सदर आसिफ जरदारी साहब ने जो बड़े काम किए सी पैक दिया और 18वीं तरमीम के जरिए जो है वो जो अख्तियारात मुख्तलिफ अदवार में आमरों ने ग्रैब करके जो है वो पाकिस्तान के आयन का हुईया वगैरह वो सारे अख्तियारात जो है वो वापस तफीज किए पार्लियामेंट को, जिसे पार्लियामेंट मजबूत हुई और उसके बाद जो है वो तीन हुकूमतें जो है उन्होंने अपने टेलीवर पूरे किए। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के अंदर जो है आपने देखा कि हमने हमारा जो दौर था 2011 से 2016 तक उसमें जो है वो बड़े जो पैकेज दिए गए, एजुकेशन पैकेज दिया गया, हेल्थ पैकेज दिया गया और जितने भी बड़े सड़कें देखें आजाद कश्मीर की, जितने मेन रोड थी वो सारी ठीक रही। तो मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल फोर्स है, पीपल्स पार्टी का विजन जो है वो किसी और सियासी जमात का नहीं है। तो मैं एक मरतबा फिर सरदार जमील अख्तर साहब को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ और सरदार अनायत उल्लाह आरफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने आज की खूबसूरत बजन का एहतमाम किया प्रेस कॉन्फ्रेंस का और आप सब दोस्तों का अराकीन नेशनल प्रेस क्लब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बड़े मुख्तसर से नोटिस में आप बड़ी तादाद में यहाँ जमा हुए। मैं इसी तरह जाना चाहता हूँ।
सत्ता जा रही है, अपोजिशन तो हमें खैर कहीं नजर नहीं आ रही, लेकिन जो सियासी पार्टियां हैं वो भी खामोश है। ये सियासी पार्टियों की खामोशी की वजह क्या वजारतों का उसूल है या मामला कुछ और है? इस मामले में कमेटी बन गई है गुजरात में मुश्तमल, और जो हमारी एक्शन कमेटी और उसके साथ जो मुलाकात इंशाल्लाह जल्द शुरू होंगे। पाकिस्तान की इस पार्टी हम इस बिलीव इन पब्लिक राइट्स, हम जो राइट्स हैं उनकी हमेशा हमने बात की है और आइंदा भी हम जो है उसकी बात करेंगे। ये जो बिजली के विवाद का मामला है, मैं यह समझता हूँ कि जैनुअन मामला आया, ये और आजाद कश्मीर में जो है वो एक बात तो है, आजाद कश्मीर 3200 मेगावाट जो है वो पैदा करता है, वो अगर हुकूमत पाकिस्तान आजाद कश्मीर में 300 मेगावाट की सारी जरूरत है, अगर वो गैर कानूनी करार दी गई है गैर रियासती। जो वजीर आजम है उनका रवैया आप क्या समझते हैं? आवाम और अपने साथियों के साथ ठीक है, उनके तमाम इख्तियार जो है वो सही तरीके से आईनी है या गैर आईनी तौर पर इख्तियार का इस्तेमाल? अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस ने जो फैसला दिया है गैर रियासती जमातों को गैर रजिस्टर करार या करा दिया गया है, गैर कानूनी करार दिया है, तो इस बारे से क्या कहना चाहेंगे? रजिस्ट्रेशन अच्छा सरदार याकूब साहब से मेरा क्वेश्चन है कि आप पहले आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं, अभी भी कुछ इस तरह की बात गश्त है वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ? आप जो आगे पीछे फिरते हैं तो वो कहते हैं कि जी उनको मैंने सदर बनाने का प्रोग्राम बनाया हुआ, तो कितनी सदाकत है इसमें, आपकी कितनी दिलचस्पी? साबिका दौर हुकूमतों में क्या कश्मीर काज को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है या नहीं? अगर नुकसान पहुंचाया गया है तो आने वाले दिनों में आप कैसे कश्मीर के रियासत के तशख्स को बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करेंगे? और दूसरा कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर दोनों एक मुतनाज़ा खत्ता है, तो इन दोनों के जो मुश्तरकात हैं उनको लेकर आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का किरदार कैसा रहेगा? मसला कश्मीर को सबसे ज़्यादा नुकसान चेयरमैन पीटीआई जब वो अमेरिका गए तो प्रेसिडेंट ट्रंप से उनकी मीटिंग हुई, वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो है तय कर रहे थे ठीक है हिंदुस्तान जो है वो आर्टिकल 370 अप्रोग्रेट कर ले तो और हम इस पर जो है खामोश हैं, ये बड़ी रिकॉर्ड कर रहा है। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान जो है ये पीटीआई के दोस्त जो साहब पिछले एक माह से तकरीबन कश्मीर की जितनी आवाम है गली कूचों में बड़े शहरों को छोड़कर गली कूचों तक एहतियात चला गया है बिजली के बिलों के हवाले से। सर उस हवाले से आप बताएं कि आपकी पार्टी जो है आगे इलेक्शन भी आएंगे तो आपकी जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है वो उन लोगों के एहतजाज में शामिल हो रही है? अगर हो रही है तो किस हद तक हो रही है? आप उन लोगों को एहतजाज की हिमायत करते हैं? ये अगर टैक्सेस खत्म कर दिए जाए हुकूमत पाकिस्तान खत्म करे तो इसमें कोई बात नहीं है। कश्मीर 3200 मेगावाट पैदा करता है और ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं, मैं तो समझता हूँ मुफ्त देने चाहिए आजाद कश्मीर को। तो सर इस मसले के लिए आपने हाई लेवल पे बात की है किसी गवर्नमेंट के बंदे से? जी आपने इस मसले बिलों के हवाले से आपने जो कश्मीर के आवाम की आवाज है वो आपने पूछाई है? इस मामले में बात कर रहे हैं और मैंने जैसे आपको कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के साथ नुमाइंदों के हवाले से अदालत से इम्तनाई जारी हुआ है कि एम एल ए हजरात के जो फंड है वो जारी नहीं किए जाएंगे, उसके ऑर्डर आगे तो क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ की बलदियाती इंतखाबात का जो मकसद होता है वो होता है कि पावर जो है ग्रास रूट लेवल पर दी जाए, तो जब इंतखाबात हो गए हैं तो उनको फंड्स देने पर कोई फर्ज नहीं होनी चाहिए, उन्हें फंड्स दिए जाने चाहिए। ये मैं मेरी पार्टी का ग्रास रूट लेवल तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं आखिरी कश्मीरी हूँ जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाला है। हम आवाम की आवाज़ को अपनी आवाज़ बना रहे हैं और यकीन ये जो एहतजाजी तहरीक इस वक्त चल रही है, तहरीक चलाना एहतजाज करना ये आवाम का हक है, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने आज एक पार्लियामानी कमेटी बनाई है, उसमें 16 वज़रा शामिल हैं। हम इंशाल्लाह
लोगों के साथ बातचीत करेंगे। जहां तक नफरत की बातचीत की जा रही है तो मैं कतई इसमें कोई दो राय नहीं। कश्मीरी आवाम ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए जितनी कुर्बानियां दी हैं, इतना कोई पाकिस्तानी भी पाकिस्तान के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता। लेकिन इस तहरीक के पीछे कुछ और चीजें भी शामिल हैं जिसको हमें समझना होगा। कुछ साजिशी अनासर भी शामिल हैं और कुछ आप और मुझ जैसे लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि ये चीजें हमें बिजली मिलनी चाहिए सस्ती, मुफ्त नहीं मिल सकती। हमारे मैं बात कर रहा हूँ, कैमरे में नहीं देख रहा, हमें बिजली सस्ती मिलनी चाहिए, हमारी आवाज वहां तक जानी चाहिए। 5 अगस्त को कश्मीर के हवाले से जो कुछ हुआ उसकी वजह से कश्मीरी आवाम के अंदर बेपना मायूसी है, लेकिन आज उसके बाद हम कश्मीर के तशक्कुस को बहाल रखने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। मैं आपको इस हुकूमत के वजीर होने की हैसियत से इस बात पे यकीन दिलाता हूं। पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि महकमे मिलने चाहिए, लेकिन ये बात क्या देना कि वुजरा को महकमे नहीं मिले इस बुनियाद पर शायद उनके मामला हल नहीं हो रहे। वुजरा जितने भी हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर उनकी मर्जी से, उनके मुशावरात से इस वक्त भी महकमे काम काज कर रहे हैं। यकीनन महकमे मिलने चाहिए और मेरे ख्याल में जल्द अज जल्द गुजरा को महकमे मिल भी जाएंगे। जहां तक आपने बात की चौधरी यासीन साहब हमारे पार्टी सदर हैं, अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत में होने की वजह से ये जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ रनिंग में, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह जब तक इस हुकूमत का हिस्सा है उस वक्त तक आवाम के हकूक के लिए भरपूर जिद्दोजहद करती रहेगी। और अगर हमने देखा कि हमारी आवाज नहीं सुनी जाती या हम अपनी बात नहीं सुना पा रहे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में भी मुशावरत करेगी। शुक्रिया।